हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करने वाले सिनेमा जगत के दोस्तों दो सितारे, यहाँ पे आइनॉक्स लेजर और पीवीआर के बारे में। और यहाँ पे ब्रेकिंग खबर इसमें निकल करके आ रही है कि आइनॉक्स लेजर और पीवीआर का मर्जन होने जा रहा है। तो अभी अभी ये डिसीजन बोर्ड की तरफ से लिया गया है, ब्रेकिंग खबर है। पूरी खबर आपके सामने बताऊंगा और इसके चलते आगे जा करके जो आइनॉक्स लेजर के शेयर होल्डर है उसको पीवीआर के शेयर मिलेंगे, ऐसी बातें भी निकल करके आ रही है। क्योंकि बिजनेस ही एकदम मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर की जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो आइनॉक्स लेजर के शेयर होल्डर है और पीवीआर के शेयर होल्डर है उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, और यहाँ पे क्या सिचुएशन आगे जाकर के बन सकती है, इन सभी चीजों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ में चाहूंगा कि पूरा पूरा जुड़े रहे ताकि ये पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपकी डेफिनेटली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात चालू करेंगे कि यहाँ पे खबर किस तरह की है और इसका असर क्या हो सकता है। इससे पहले कि इन दोनों शेयरों की सिचुएशन किस तरह की दिखाई दी थी, हालांकि दोनों शेयरों में यहाँ पे फ्राइडे को तेजी का माहौल देखने को मिला था। पहले पीवीआर की बात करें जो कि मार्केट लीडर है सिनेमा में, सबसे बड़ी कंपनी, 1804 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी, 2% के आसपास की तेजी। परंतु इससे ज्यादा जो तेजी थी वो थी आइनॉक्स लेजर लिमिटेड में। जी हाँ, यहाँ पे देखें 470 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 27 रुपये ऊपर, 6% से भी ज्यादा की यहाँ पे आपको तेजी आइनॉक्स लेजर में देखने को मिली थी। तो यहाँ से देख पता क्या चल रहा है कि पीवीआर से ज्यादा आइनॉक्स लेजर को इस मर्जर का फायदा होता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहली खबर है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बोर्ड की तरफ से अभी अभी ये डिसीजन लिया गया है, और यहाँ पे आप खबर देखें, तारीख देखें तो 27 मार्च अभी और 3:30 बजे के आसपास ही एक खबर पब्लिश हुई है। और यहाँ पे मैं 4:45 के आसपास ही यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम ब्रेकिंग खबर, पीवीआर आइनॉक्स लेजर अनाउंस मर्जन, अजय बिजली विल बी द MD ऑफ कंबाइंड एंटिटी। मतलब कि अजय बिजली की यहाँ पे बात करें वो यहाँ पे MD के तौर पे जो कंबाइंड एंटिटी बन करके आएगी, आइनॉक्स ले पीवीआर दोनों को मिला करके जो मर्ज होगी एंटिटी, उसके यहाँ पे MD के तौर पे अजय बिजली जी काम करते हुए दिखाई देंगे। तो पूरी जानकारी यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पीवीआर लिमिटेड एंड आइनॉक्स लेजर लिमिटेड एज देयर रिस्पेक्टिव मीटिंग होल्ड ऑन मार्च 27। मतलब कि अभी अभी दोनों की तरफ से यहाँ पे बोर्ड मीटिंग करी गई थी। और यहाँ पे आप बात करें ऑल स्टॉक एमिगुलेशन ऑफ द आइनॉक्स एंड पीवीआर, तो आइनॉक्स और पीवीआर का जो मर्जर है वो यहाँ पे दोनों बोर्ड की तरफ से अप्रूवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु अभी भी क्या बाकी है, ये जो मर्जर हुआ है वो शेयर होल्डर ऑफ पीवीआर, शेयर होल्डर ऑफ आइनॉक्स लेजर, मतलब कि दोनों के शेयर होल्डर की अप्रूवल बाकी है। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज की भी अप्रूवल बाकी है, सेबी की भी अप्रूवल बाकी है, एंड अदर सच रेगुलेटरी अप्रूवल में भी रिक्वायर्ड। मतलब कि और भी जो जिस तरह की यहाँ पे मर्जर के लिए अप्रूवल होनी चाहिए इन सभी की अप्रूवल बाकी है, परंतु दोनों के बोर्ड ने ये अप्रूवल कर दिया है। और MD भी कौन रहेंगे वो भी बातें यहाँ पे बोली गई है। अपॉन द ऑब्टेन ऑल अप्रूवल, मतलब कि सभी अप्रूवल होने के बाद यहाँ पे द मर्जर बिकेम इफेक्टिव, मतलब कि जब मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा सभी की अप्रूवल मिल जाएगी। आइनॉक्स विल मर्ज विद द पीवीआर, मतलब कि आइनॉक्स लेजर पीवीआर के साथ मर्ज होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, पीवीआर आइनॉक्स के साथ मर्ज नहीं हो रहा है, आइनॉक्स पीवीआर के साथ हो रहा है। जिसके चलते होगा क्या कि आइनॉक्स लेजर के जो शेयर होल्डर है उनको पीवीआर के शेयर यहां पे दिए जाएंगे एज पर द शेयर स्वैपिंग रेशियो स्ट्रेटजी के द्वारा। मतलब कि ये जो शेयर स्वैपिंग रेशियो है उनके द्वारा आइनॉक्स के शेयर अगर आपके पास हो गए तो आपके खाते में इसके बदले पीवीआर के शेयर आएंगे। अभी कितने आएंगे, कौन सी प्राइस पे आएंगे, यह सब कैलकुलेशन होने के बाद ही आपको पता चलने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोनों यहाँ पे कंपनी के ऊपर, दोनों के ऊपर, जिसके चलते मुझे लगता है कल यहाँ पे बढ़िया उठक पठक दोनों शेयरों में रह सकती है। अभी बात करें मार्केट कैप की सबसे के कौन सी शेयर, कौन सी कंपनी बड़ी है और किसके पास कितनी यहाँ पे स्क्रीन से, तो कंबाइंड मर्जर कंपनी विल बी फॉर्म अ लार्ज कंपनी विद ओवर 16,000 करोड़ मार्केट कैप। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी तो 16,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाएगी। इसमें जो अभी बात करें तो पीवीआर की मार्केट कैप कितनी है, पीवीआर की 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और आइनॉक्स लेजर की जो क्लोजिंग प्राइस है 470, इसके सब के ना तो 5,700। मतलब कि पीवीआर बड़ी कंपनी है, आइनॉक्स लेजर इससे आधी कंपनी है, दोनों को मिलाकर के 16,000 करोड़ की बड़ी कंपनी यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। और यहाँ पे स्क्रीन के मामले में देखें तो भी पीवीआर आगे है। जी हाँ, 816 स्क्रीन ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे पीवीआर की लगी हुई है, और यहाँ पे आइनॉक्स की बात करें तो 667 स्क्रीन आइनॉक्स लेजर की लगी
लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर है जो कि मुझे लगता है यहाँ पे कल कहीं ना कहीं बड़ा धमाका आपको इन दोनों शेयरों में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास दोनों में से किसी के भी शेयर है तो डेफिनेटली मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आगे जाकर के जिस तरह की रीओपनिंग हो रही है तो अभी यहाँ पे क्योंकि एक ही शेयर बन जाएगा, PVR ही बन जाएगा, आईनोक्स निकल जाएगा, तो आपको बढ़िया मुनाफा इसमें देखने को मिल सकता है। दोनों के कारोबार की सिचुएशन एक बार आपको बता दूं और फिर दोनों के चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। PVR के बारे में बात करना चाहूंगा, 1804 के आसपास क्लोजिंग है, 1.55% की तेजी, और यहाँ पे हाई बनाया था 1868 रुपए के आसपास का। कारोबार की डिटेल आपके सामने है, 31,17,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, 6,86,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी PVR में 22% के आसपास की निकल करके आती हुई दिखाई दे रही थी। अभी आइनॉक्स लेजर की बात करना चाहूंगा तो इसकी क्लोजिंग मैंने जैसे बताया 470 के आसपास थी, इसमें भयंकर तेजी थी, 6% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है, परंतु एक समय पे 12% के आसपास की तेजी में ट्रेड कर रहा था। हाई 496 रुपये आप देख सकते हो, तब यहाँ पे वो 12% के आसपास की तेजी में ट्रेड कर रहा था। इसमें देखे कारोबार की सिचुएशन तो 72,13,000 शेयर की ट्रेडिंग, 15,18,000 शेयर की डिलीवरी, और इसमें भी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 22% के आसपास की डिसेंट नजर आ रही है। सीधा आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, दोनों की सिचुएशन किस तरह की दिखाई दे रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहें। तो बात चालू करना चाहूंगा PVR के साथ। यहाँ पे देखिए PVR का जो चार्ट था बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम हाई प्रोफाइल शेयर था, यहाँ पे मल्टी बिगर शेयर के तौर पर उभर करके आ रहा था, परंतु जैसे ही कोरोना की न्यूज आई और इसमें बड़ा क्रेश देखने को मिला तो यहाँ पे देखिए 2100 का लेवल कोरोना के पहले वो टच कर चुका था, वहां से गिर करके 750 मतलब कि 60-70% का क्रैश यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूसली हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी बात करें तो 1820 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक हर्डल है 2000 के आसपास, 1900 से 2100 के बीच का, वहां पे ही PVR आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से अभी बाइंग तो डेफिनेटली नहीं करनी है, जी हाँ, पहले वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ पे PVR के शेयर होल्डर और PVR के ऊपर बाजार किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है। इमीडिएट जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है 1500 निकल करके आ रहा है, तो 1500 के SL के साथ अगर PVR आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे 2000-2100 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट जल्दी से आपको दिखाई दे सकता है। RSI का लेवल इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, 61 के आसपास का नजर आ रहा है। अभी आइनॉक्स लेजर के चार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी मंथली कैंडल ही आपके सामने है, और यहाँ पे भी देखें तो ये बहुत बढ़िया मल्टीबैगर शेयर था, परंतु जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ आई ये 500 के आसपास ट्रेड करता था, यहाँ से गिर करके डायरेक्टली 150 के आसपास आपको आइनॉक्स लेजर आता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि 80% की गिरावट यहाँ पे आइनॉक्स लेजर में दिखाई दी। और इसके बाद जैसे जैसे बाजार में रिकवरी आई, कोरोना का संकट धीरे धीरे खत्म हुआ, यहाँ पे फिर से उसी ने यहाँ पे बात करें फ्राइडे को तो 500 का लेवल टच करने की ही कोशिश करी, 470 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। मुझे लगता है अभी आपको आइनॉक्स लेजर के शेयर तो वैसे आपके पास है तो वो PVR में बदल जाएंगे, परंतु कौन सी प्राइस के आसपास बदलेंगे और किस तरह की सिचुएशन रहेगी वो आगे आने वाला वक्त बताएगा, परंतु फिर भी मेरे ख्याल से आइनॉक्स लेजर के शेयर है तो आपको डेफिनेटली इसको भी होल्ड करना है। यहाँ पे देखिए जो RSI का लेवल है मंथली टाइम फ्रेम पे तो 65 के आसपास का है, तो इसका भी RSI का लेवल स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा दोनों शेयरों को आप स्टडी करिए, और आपके पास शेयर है तो डेफिनेटली मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, परंतु डिसीजन आपका ही फाइनल होना चाहिए, आपकी स्टडी के बेस के अनुसार आपको फाइनल डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले करोड़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।